अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग आप लोगों के लिए लाए हैं नई ड्रेसेस, नई कलेक्शन हमारी, हमारे कपड़ों के नए डिजाइन जो हमने रिसेंटली स्टिच करवाए हैं। ये सबसे पहला हमारा ये ब्लैक ड्रेस है, गाउन है, ये पूरा गाउन है, आगे से ओपन भी कर सकते हैं और हमने बटन भी लगवाए हैं ताकि लुक बटन ये बंद भी कर सकें। तो नीचे शर्ट है इसकी, टॉप अलग, पहले आप देख लें मोटिव इसका नेक और इसके जो बटन है ना लूप्स, वो हमने बेली बटन तक करवाए हैं ताकि अगर शर्ट आप लोगों की वैसे तो मर्जी है, मैंने तो लॉन्ग शर्ट बनवाई थी ताकि ज्यादा मतलब बुरा ना लगे, ऑकवर्ड ना लगे। और ये इसका बैक है, इसका बैक का मोटिव देखिएगा, इतना प्यारा मोटिव है, इतना प्यारा है। उसके बाद उसके बाजू का मोटिव दिखाएंगे, मोटिव देखिए ये पूरा बंच है ना। और सबसे बड़ी बात, ब्लैक के ऊपर इसके कलर्स देखें कितना मतलब लश लग रहे हैं, देखकर ही अच्छा लगता है इंसान को। आजकल ये बेल्ट चल रही है कमर पे गाउन के साथ बांधने के लिए, ये बेल्ट बनवाई थी मैंने स्पेशल, इसके बॉर्डर था साइड पर तो वो मैंने अलग करवा लिया था और कहा था कि इसका ना आप बेल्ट बना दीजिएगा मुझे। ये मैंने एडिशनल बनवा ली थी कि अगर अच्छी लगी तो पहन लूंगी, वेयर कर लूंगी साथ बेल्ट, अदरवाइज वैसे भी बहुत अच्छा लग रहा है और आप ओपन भी रख सकते हैं, लुक्स आपकी मर्जी, आप बंद करें या खोलें। और ये वेयर करके कुछ क्लिप्स, उम्मीद है आप सबको अच्छा लग रहा होगा। ये नेक्स्ट ड्रेस है, ये येलो कलर की कुर्ती भी कह सकते हैं, टॉप शर्ट भी कह सकते हैं। इसके बाजू का स्टाइल देखिएगा, बहुत प्यारा है, पिंटेक्स में और मोटिव बना हुआ था, देखिए ये ना बैलून की तरह है, चौन डाली हुई है, बैलून टाइप बन जाता है। इसका फैब्रिक बहुत अच्छा था, आगे से गोल घेरा में है, दामन जो है वो गोल में था और पीछे कोन में ही था, स्ट्रेट थोड़ा ही सा था। बड़ा और बाकी ये है पहनकर, थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा, हम किसी भी तरह पहन सकते हैं और वैसे भी प्लेन दुपट्टा तो कोई भी चला सकते हैं। आप इसे जीन्स के साथ भी वेयर कर सकती हैं, आप इसे ट्राउजर्स के साथ भी वेयर कर सकती हैं, जैसे आपका दिल करे आप पहन सकती हैं। और अब बढ़ते हैं अपने नए ड्रेस की तरफ, शॉकिंग पिंक, वाइट और ग्रीन कलर, येलो कलर जो होता है, जो हम ट्रैफिक वार्डन्स भी जैकेट वेयर करते हैं ना, ऑलमोस्ट वैसा कलर है। रात को जब हम लाइट ऑफ कर देंगे तो ये शाइन करेगा, वो लगाया था। और ये देख सकते हैं सिंपल एक अम्ब्रेला टाइप फ्रॉक है और बीच में कलियों वाला फ्रॉक है और इसके जो बाजू हैं इसके पिंटेक्स वाले बाजू हैं बर्थडे टाइप। और ये आगे थोड़ा सा बॉर्डर दिया हुआ है, घेरे में दिया हुआ है, बैक घेरे में और बाजू में, बिल्कुल फिर हल्का हो जाएगा ना, प्लेन हो जाएगा, मतलब अच्छा नहीं लगेगा, थोड़ा फिर अच्छा लगता है। आप इसका बैक साइड देख सकती हैं, बिल्कुल ये 16 कलियों वाला फ्रॉक है, बारीक बारीक कलियां डली हुई हैं, आपको नजर नहीं आ रहा होगा वीडियो में, लेकिन ये कलियों वाला और पूरा घेर इसका माशाल्लाह फूल जाता है और अच्छा लगता है अगर हम जीन्स के साथ वेयर करें। हर कोई इसकी स्टिचिंग नहीं कर सकता और इसकी कटिंग भी बहुत मुश्किल होती है क्योंकि इतनी कलियों वाला कोई सीख ही नहीं देता, मानता ही नहीं है, कोई एग्री नहीं करता। ये मैं आपको सही से दिखा नहीं पाई, इसका घेर बहुत ज्यादा था, आप ये पिक्चर में देख सकते हैं, आपके लिए पिक्चर बनाई थी कि ये देख सकते हैं। नेक्स्ट फ्रॉक हमारा ग्रीन कलर, पैरेट ग्रीन से लाइट कलर था, ये ना नेचुरल कलर नहीं आ रहा, जो फ्रॉक का नेचुरल कलर है वीडियो में, अभी थोड़ा सा कैमरा बैक करूंगी तो आपको रियल नजर आएगा कलर इसका। और इसकी बॉडी देखें, हमने इस पे फ्रिल वाली लेस लगाई है और बिल्कुल मतलब इतना ज़्यादा काम नहीं है, लेकिन देखिए प्लेन कपड़ों को कैसे हम स्टाइलिश बना सकते हैं, बस अपना थोड़ा बहुत क्रिएटिविटी दिखानी होती है। दो लेसें लगाकर इकट्ठी लगाई हुई है, आप देखें पिंटेक्स डाली हुई है और साथ सीढ़ी लैस, ये जो लैस लगी हुई है इसे सीढ़ी लैस कहते हैं और हादी बॉडी पर है, मतलब अनरखा स्टाइल है ना तो उसकी हाफ अनरखा पर है। और ये जो बॉडी के नीचे चोन वाला है, प्लेट्स नहीं डाली हुई, चोन वाला फ्रॉक है, जैसे आप पीछे से देखें आपको। इसका ट्राउजर है, मैंने वही ट्राउजर ही लगा दिया है, लेकिन पेन कभी इंसान ट्राउजर पहन लेता है, कभी पेंट पहन लेता है, जैसे आपको सही लगे, क्योंकि जगह भी मैटर करती है, क्योंकि जिस जगह हम जा रहे हैं वहाँ पेंट वेयर करनी चाहिए या ट्राउजर, क्योंकि हर जगह के हिसाब से ही कपड़े पहनने चाहिए ना। अगर फैमिली में जा रहे होते हैं तो फिर ट्राउजर वगैरह पहन के जाते हैं, और कहीं अगर बाहर आउटिंग वगैरह के लिए जा रहे होते हैं या फ्रेंड्स गैदरिंग है तो जीन्स वगैरह पहन लेते हैं। और ये इसके साथ दुपट्टा देखें, मैंने घर से ही मैच कर लिया था,
क्योंकि प्लेन है ना, प्लेन के साथ हम कोई भी किसी भी तरह से ना कंट्रास्ट कर सकते हैं, कुछ ही किसी भी तरह से। मतलब इसके साथ मैंने हिजाब भी लिया था, लेकिन हिजाब आपको दिखा नहीं सकती क्योंकि मुझे अलाउ नहीं है फेस शो करना, हमें अलाउ नहीं है, हमें अलाउ नहीं है। और ये कुछ पहन के हमारी झलकियाँ, उम्मीद है पसंद आई होगी। यहाँ पे मेरी यार कमेंट भी कर दीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और कमेंट भी के कैसा लगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखिएगा और कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज।